वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार महाधमाका, फैमिली आईडी नया नियम और ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाने के लिए नए नियम महाधमाका हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों ड्राइविंग लाइसेंस अब ऐसे बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस में अब ट्रेनिंग जरूरी कर दिया गया है, फैमिली आईडी भी जरूरी कर दी गई है, इसके बिना आपका नहीं होगा बनेगा लाइसेंस। हरियाणा नए ड्राइविंग लाइसेंस का रेट फीस भी जारी, हरियाणा प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1998 में बड़ा बदलाव किया है। विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अपना प्यार व सहयोग ऐसे ही बनाए रखना साथियों, कोई जानकारी छूटेगी नहीं, कोई जानकारी बचेगी नहीं। अगर मेरे साथ आप जुड़े हो तो आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे नहीं पता चले ये योजना कब आई कब चली गई, या तो मेरे को देखते नहीं या फिर जो है आप मुझे वो नहीं करते हुए। आज के प्रिंटिंग मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है बड़ा महाधमाका, नए सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव लाइसेंस को लेकर किया है, जो भिन्न भिन्न चाहे अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, या फिर अपने दैनिक सवेरा हो, या अपने दैनिक भास्कर हो, सभी में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए वाहन चालकों को चुकानी होगी अतिरिक्त फीस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग स्कूल का प्रमाण पत्र अनिवार्य यानी जरूरी कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया है, इसके बाद ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट से ही लाइसेंस बन जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल यानी जिसे लाइट लाइसेंस या एलएमवी लाइसेंस बोला जाता है, इसके लिए 15 सितंबर से नया नियम लागू कर दिया गया है। लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विभाग ने फैमिली आईडी को भी अब जरूरी कर दिया है। सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया है कि फैमिली आईडी सबसे पहले आपसे फैमिली आईडी मांगेगा, फैमिली आईडी का पहले कोई ऑप्शन इस पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं था, अब फैमिली आईडी कर दिया गया है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय 21 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने के बाद वाहन चलाकर दिखाना भी पड़ेगा, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। वर्ष 2021 में भी ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की को ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी किया था, ड्राइविंग स्कूल वाले इस सर्टिफिकेट की मनमर्जी की फीस वसूलने लगे। तो दोस्तों 21 दिन के लिए 21 दिन के ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जो अब लागू किया इन्होंने, ये 2021 के अंदर भी इन्होंने ये नया नियम नया कानून बनाया था, लेकिन इसको बनवाने के लिए इसके 2,000 से 3,000 रुपए में बनने वाला जो लाइसेंस था, इस सर्टिफिकेट के कारण ही 8,000 से 10,000 रुपए में लाइसेंस बनने लगे था। फिर क्या हुआ, प्रदेश भर में इसको लेकर काफी रोष हुआ, प्रदेश सरकार की काफी किरकिरी इस विषय पे हुई। तो इसे देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये जो नियम लाए थे, नया नियम जो ये अब लाए 21 साल सर्टिफिकेट वाला, ये 2021 में भी लाए थे, लेकिन इसका विरोध पूरे प्रदेश के अंदर हो गया था। 2,000-3,000 में लाइट लाइसेंस बनने जो बनता था वो 10,000 तक बनने लगा था, तो इसे फिर सरकार ने वापस ले लिया था भारी दबाव के बाद। अब इसे प्रदेश सरकार ने फिर दोबारा लागू कर दिया है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पास करना जरूरी, लाइसेंस के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है, लिखित परीक्षा भी आपकी होगी, दूसरा ड्राइविंग टेस्ट भी आपको गाड़ी चलाकर भी दिखानी होगी, 15 दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 6 दिवसीय थ्योरी क्लास पास करना जरूरी है। इस ये सर्टिफिकेट होगा तो ही लाइट लाइसेंस के लिए आप आवेदन कर पाओगे, वरना आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, फॉर्म ही आप नहीं भर पाएंगे। साथियों 180 दिन के लिए बनने वाले लाइसेंस की फीस देख लीजिए, बाइक स्कूटर प्लस में रेड क्रॉस सर्टिफिकेट 350 में बाइक और स्कूटर का, प्लस में रेड क्रॉस सर्टिफिकेट 300 का, टोटल 650 रुपए। बाइक स्कूटर कार रेड क्रॉस सर्टिफिकेट 350, 300 कार के बढ़ गए इसमें, ये टोटल हो जाते हैं 950। बाइक स्कूटर कार ट्रैक्टर फिर ये टोटल 1250 में बाइक स्कूटर कार ट्रैक्टर का, और ये जो सर्टिफिकेट आपका ये रेड क्रॉस सर्टिफिकेट जो ये सर्टिफिकेट लागू किया है ये 300 रुपये में बनेगा, इसके लिए लेकिन आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, तो ये फिर 1250 का हो जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की फीस, ये ऊपर लर्निंग की बात हो जाती है, नीचे लाइट मोटर व्हीकल की बात हो जाती है। बाइक स्कूटर रेड क्रॉस 1280 रुपये का है, बाइक स्कूटर कार रेड क्रॉस सर्टिफिकेट 1580 का है, बाइक स्कूटर कार ट्रैक्टर 1580 का है। तो साथियों ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का 21 दिवसीय सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। जिले भर में मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, 2 फर्जी केंद्र की शिकायत पाई गई, उन पर कार्रवाई की गई। तो साथियों ये जो है ये पूरा का पूरा नया बदलाव महाबदलाव जो किया है आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ आप देख सकते हो पूरे प्रदेश में सॉफ्टवेयर को लागू किया गया है, ये जो है पूरे हरियाणा के अंदर जो है सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 सितंबर से ये नया नियम लागू हो चुका है भाई, हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब।